हेलो एवरीवन, मैं आपका अमिताभ का दस बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने एड एक्सपर्ट चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि रिवॉर्डेड एड्स को ऑन बैक प्लेस मेथड में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करना काफी इजी होता है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोबाइल एप्स में रिवॉर्डेड एड्स को ऑन बैक प्लेस मेथड में इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाना है एंड कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देते हैं, आपको एम्प्टी एक्टिविटी चूज कर लेना है एंड नेक्स्ट पे प्रेस करना है। जैसे हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे रिवॉर्डेड एड लिख देता हूँ, रिवॉर्डेड एड्स हियर। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट का नेम हो गया है। एंड यहाँ से आप पैकेज नेम भी चेंज कर सकते हो। मैं अभी फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लोडिंग प्रोजेक्ट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी ग्रेडल बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो ग्रेडल बिल्ड रन होने तक हम वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ चुका है, ग्रेडल बिल्ड फिनिश इन 16 सेकेंड। अभी हम इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इस ऑप्शन में आ जाना है, ग्रेडल स्क्रिप्ट, एंड यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आपको सेकंड में बिल्ड डॉट ग्रेडल में क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको डिपेंडेंसी ऑप्शन में आ जाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में चले जाना है। तो मैं क्रोम ओपन कर देता हूँ। तो मैं सर्च बार में सर्च कर देता हूँ रिवॉर्डेड एड्स, रिवॉर्डेड एड्स। जैसे हम रिवॉर्डेड एड सर्च कर देते हैं तो आपके सामने फर्स्ट URL ओपन हो जाएगा, रिवॉर्डेड एड्स एंड्रॉयड गूगल डेवलपर। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल एडमॉप का पेज ओपन हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले जो गाइड्स दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे, आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा डिपेंडेंसी, आपको यहाँ से कॉपी करना है। इस डिपेंडेंसी को कंट्रोल सी से कॉपी करके इस प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देना है बिल्ड डॉट ग्रेडल में। एंड अगेन हमें ब्राउजर में जाना है। अभी अगेन हमें स्क्रॉल करना है एंड इस मेटा डेटा को कॉपी करना है। तो मैं कंट्रोल सी से मेटा डेटा को कॉपी कर देता हूँ। एंड जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैनिफेस्ट, इसको हमें ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको एंड्रॉइड मैनिफेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं, आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्टिविटी, इसके नीचे हमें मेटा डेटा को पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जो आपको यहाँ पे XX एंड YY दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे ऐप ID को पेस्ट कर देना है। कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको ब्राउजर में जाना होगा एंड जो यहाँ पे सैंपल एड मूव ऐप ID दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको कॉपी करना होगा। तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ सैंपल ऐप ID को, एंड प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ बैकस्पेस से एंड कंट्रोल V से यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। अभी हम पैकेज नेम के नीचे कुछ परमिशन यूज कर लेते हैं। तो यूजेस परमिशन में एंटर कर देते हैं, यूजेस परमिशन एक्सेस नेटवर्क स्टेट, सेकंड यूजेस परमिशन वाईफाई स्टेट, थर्ड यूजेस परमिशन इंटरनेट। अभी हमारा वर्क हो चुका है बिल्ड डॉट ग्रेडल एंड मैनिफेस्ट फाइल में। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं एंड सिंक नाउ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ग्रेडल बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो अभी मैसेज आ चुका है बिल्ड सक्सेसफुल इन 5 सेकेंड। तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है। अभी हमें एक्टिविटी मेन में आ जाना है एंड जो बाय डिफॉल्ट लेआउट है उसको चेंज करना है रिलेटिव लेआउट में। तो मैं इसको रिलेटिव लेआउट में चेंज कर देता हूँ एंड टेक्स्ट व्यू को बटन में कन्वर्ट कर देता हूं। जो बटन आपको अभी ऊपर दिखाई दे रही है, मैं अभी इसको सेंटर में लेके आता हूं। तो इस बटन को सेंटर में लेके आने के लिए आपको सेंटर इन पैरेंट को प्रेस करना होगा
तो सेंटर इन पेरेंट ट्रू, जैसे हम इसको ट्रू कर देते हैं तो आप देख सकते हो जो हमारा बटन था वो अभी सेंटर में आ चुका है। एंड टेक्स्ट में यहाँ पे एंटर कर दीजिए फर्स्ट एक्टिविटी। अभी हमने प्रेस कर दिए फर्स्ट एक्टिविटी एंड यहाँ पे मैं ऑन क्लिक यूज कर देता हूँ। ऑन क्लिक फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे भी लिख देता हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो बट मैंने फर्स्ट एक्टिविटी लिख दिया है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने बल्ब का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप इसको सिलेक्ट करके अल्ट एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे हम अल्ट एंटर को प्रेस करेंगे तो आपके सामने सेम ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, तो मैं अल्ट एंटर प्रेस कर देता हूँ तो आप देख सकते हो वही जो बल्ब में दिखाई दे रहा था यहाँ पे भी सेम अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको क्रिएट इन मेन एक्टिविटी में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे इंटेंट पास कर देना है, तो मैं यहाँ पे इंटेंट पास कर देता हूँ, इंटेंट 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 इज इक्वल टू न्यू ऑफ इंटेंट। जिस एक्टिविटी में आप हो उस एक्टिविटी का नेम यहाँ पे एंटर कर दीजिए मेन एक्टिविटी डॉट दिस, एंड जिस एक्टिविटी में जाना है आपको उस एक्टिविटी का नेम लिखना है। तो मैं सबसे पहले एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ क्योंकि हमें सेकेंड एक्टिविटी में जंप करना है, तो मैं एक एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ, इसका नेम बाय डिफॉल्ट मेन एक्टिविटी टू रख देता हूँ एंड फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे ग्रेडल बिल्ड फिनिश थोड़ी देर में हो जाएगा, तब तक हम वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है एंड यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए मेन एक्टिविटी टू डॉट क्लास, क्योंकि हमें सेकेंड एक्टिविटी में जाना है, एंड यहाँ पे साइन दे दीजिए एंड स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट पास कर दीजिए। अभी हमारा मेन एक्टिविटी का काम हो चुका है, अभी हम सेकेंड एक्टिविटी में जाते हैं। सबसे पहले हम डॉट एग्जाम्पल का पार्ट यूज कर लेते हैं, तो मैं इसको कंट्रोल सी से बटन को कॉपी कर देता हूँ एंड एक्टिविटी टू में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंड जो कंस्टिट्यूएंट लेआउट है इसको चेंज करके रिलेटिव लेआउट में चेंज कर देता हूँ एंड ऑन क्लिक को मैं हटा देता हूँ। अभी हमें मेन एक्टिविटी टू में आना है एंड यहाँ पे ऑन बैक प्रेस इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि हमें ऑन बैक प्रेस मेथड में ही रिवॉर्डेड एड शो करना है। तो मैं यहाँ पे ऑन बैक प्रेस मेथड यूज कर देता हूँ, कंट्रोल ओ प्रेस कर देता हूँ एंड ऑन बैक प्रेस यहाँ पे यूज कर देता हूँ। जैसे हम ऑन बैक प्रेस कर सर्च कर देते तो आपके सामने ये ऑन बैक प्रेस मेथड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो मैं अभी ओके पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं ओके क्लिक कर देता हूँ तो आपको जो सुपर दिखाई दे रहा है मैं इसको बैकस्पेस से रिमूव कर देता हूँ। तो अभी हमें रिवॉर्डेड एड्स को यहाँ इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि जैसे हम ऑन बैक प्रेस मेथड को यूज करेंगे तो हमें रिवॉर्डेड एड्स शो होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले रिवॉर्डेड एड्स शो होने के लिए ब्राउजर में आना होगा एंड एड फॉर्मेट में रिवॉर्डेड एड्स पे क्लिक करना होगा। जैसे हम रिवॉर्डेड एड्स को ओपन करेंगे तो हमें स्क्रोल करना होगा एंड जो सेकेंड कोड दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे आना होगा एंड इस वेरिएबल को कॉपी करना होगा, तो मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ, ऐप कॉम्पैक्टिविटी के नीचे यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, सेम इसको भी कॉपी कर देता हूँ रिवॉर्डेड एड से तो बैक तक कंट्रोल सी से एंड ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगेन ब्राउजर में जाता हूँ, इसको स्क्रोल कर देता हूँ एंड जो इफ्स यहाँ दिखाई दे रहा है इफ यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एंड एल्स तक इसको कॉपी करना है एंड कंट्रोल सी से मैं इसको कॉपी करके प्रोजेक्ट में जाके जो ऑन बैक प्रेस है उस मेथड में कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। बट आपको ध्यान में रखना है एक कोड आपको वही पेस्ट करना है जहाँ पे आपको यूज करना है। जैसे आपको क्लिक पे यूज करना है तो आप क्लिक पे भी यूज कर सकते हो, बट अभी हमें ऑन बैक प्रेस पे यूज करना है इसलिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड जैसे हम ऑन बैक प्रेस मेथड यूज करेंगे तो हम फर्स्ट एक्टिविटी में भी एंटर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे इंटेंट पास कर देता हूँ, इंटेंट इंटेंट इज इक्वल टू न्यू ऑफ इंटेंट मेन एक्टिविटी टू डॉट दिस एंड मेन एक्टिविटी डॉट क्लास स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। अभी हमारा कम्प्लीटली कोड हो चुका है, बस हमें कुछ एरर रिजोल्व करना होगा। एरर रिजोल्व करने के लिए सिर्फ आपको अल्ट एंटर प्रेस करना है।
तो मैं सब पे अल्ट एंटर प्रेस कर देता हूँ एंड इंपोर्ट क्लास पे क्लिक कर देता हूँ। तो सेम हर इसमें करना है आपको, इंपोर्ट क्लास, इंपोर्ट क्लास, एंटर, अल्ट एंटर, इंपोर्ट क्लास, सेम आपको हर इसमें करना है। बट आपको ये ध्यान में रखना है, जो आपको यहाँ पे मेन एक्टिविटी दिखाई दे रही है उसमें आपको उस एक्टिविटी का नेम एंटर करना है जिस एक्टिविटी में आप हो, जैसे मेन एक्टिविटी टू, एंड जिसके बाद में आपको यहाँ पे साइन दे देना है। इज लोडेड को मैं अल्ट एंटर से, यहाँ पे अभी रीनेम रिफ्रेश दिखाई रहा है तो ये नहीं हो सकता, इसलिए मैं लोड एट अल्ट एंटर, यहाँ पे भी नहीं हो सकता क्योंकि रीनेम रिफ्रेश दिखाई दे रहा है। सिर्फ आपको अल्ट एंटर वही प्रेस करना है जहां इंपोर्ट क्लास का ऑप्शन आ रहा है। अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास, अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास, अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास, अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास। तो भी आप देख सकते हो अभी हमारे कंप्लीटली एरर रिजोल्व हो गए हैं। मैं अभी अपने मोबाइल डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के साथ। तो अभी आप देख सकते हो हमने अपने मोबाइल डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ओप्पो RMX811। तो मैं अभी रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक हम वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है एंड अभी इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया है। थोड़ी देर में हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, तब तक हम वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो मोबाइल डिवाइस में भी ऐप लॉन्च हो गया एंड जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम था रिवॉर्डेड एड्स हियर, वही नेम यहाँ पे भी आ गया है टूल बार में। एंड जो हमने एक्टिविटी मेन में टेक्स्ट लिखे थे बटन में फर्स्ट एक्टिविटी, वही सेम यहाँ पे भी दिखा रही है। तो मैं यहाँ पे अभी क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो सेकेंड एक्टिविटी ओपन हो गई है एंड अभी हम इस पे जैसे ऑन बैक प्रेस मेथड यूज करेंगे तो हमारा रिवॉर्डेड एड शो होने लग जाएगा। तो मैं अभी आपको ऑन बैक प्रेस मेथड यूज करके बताता हूँ। तो देखो मैं बैक पे अभी क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने बैक पे प्रेस किया तो आपके सामने ये एड शो होने लग गई है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल एप्स में रिवॉर्डेड एड्स को ऑन बैक प्रेस मेथड में यूज कर सकते हो। आई होप गाइस आपको समझ में होगा कि रिवॉर्डेड एड्स को ऑन बैक प्रेस मेथड में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।